पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट द्वारा आज कलेक्टर पर एक धरना प्रदर्शन किया गया। वह 12 सूत्रीय एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजने के लिए जिलाधिकारी को भेजा गया। धरने की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी से की। महंगाई पर रोक लगाओ, सभी बेरोजगारों को रोजगार दो, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दो, भ्रष्टाचारी पर रोक लगाओ, नशाखोरी पर रोक लगाओ एवं बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ जैसे नारों से शुरुआत की। एडवोकेट हरकिशोर ने बताया कि आज हमने 12 सूत्रीय मांग पर जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा है, जिनमें हमारी मांग है आवारा पशुओं तथा जंगली जानवरों से जानमाल के भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति करो, किसानों को कृषि उपज का 1.5 गुना दो, बेतहाशा बढ़ रही बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल पर बिजली के दाम आधे किए जाएं, सभी को रोजगार दिया जाए, वे खाली पद पर भरे जाए, शिक्षा का निर्जरीकरण बंद किया जाए। ये आधे घंटा जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये हमारा जो प्रदेश राज्य कमेटी है उसके आह्वान पर हमारी पार्टी ने आज पूरे ही प्रदेश में सभी मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन आयोजित किए हैं और पूरे प्रदेश में एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर जो लाखों की तादाद में प्रदेश में हस्ताक्षर हुए हैं और जिलों पर जो हमने अपनी मांगों के समर्थन में हस्ताक्षर हजारों की तादाद में कराए हैं, उन हस्ताक्षरों सहित आज हम श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे। जिस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश में सांप्रदायिक एक माहौल पैदा किया जा रहा है और जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इससे आम आदमी की स्थिति बहुत खराब है, प्रदेश की जनता इससे त्राही त्राही कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि महंगाई पर रोक लगाई जाए, सभी को शिक्षा में रोजगार की गारंटी की जाए और जिस तरीके से अपराध लूट डकैती हत्या बलात्कार बढ़ रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए।